तो गाइस आज पढ़ना है कि अब हमारे भाई ये इरिवर्सिबिलिटी क्या होता है, एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट है इसमें कि इरिवर्सिबिलिटी बहुत अच्छा टॉपिक हो जाता है। तो इरिवर्सिबिलिटी क्या होता है, इरिवर्सिबिलिटी अवेलेबल एनर्जी कहते हैं इसको, अवेलेबिलिटी होती है या फिर ये एक्सर्जी कहते हैं इसको, ठीक है। तो अवेलेबल एनर्जी क्या होता है, ये डिफाइन होता है कि मैक्सिमम यूजफुल वर्क आप कितना ऑब्टेन कर सकते हो सिस्टम प्रोसेस में से, उस वो डेड स्टेट जाने से पहले पहले। डेड स्टेट मतलब कि एनवायरनमेंट टेम्परेचर, ऐसा स्टेट जिसमें से भी कि कोई वर्क यूटिलाइज ना हो सकता हो। देखिए अवेलेबल एनर्जी का कॉन्सेप्ट कह रहा है कि आर द एनर्जी इज डिफाइंड एज अ मैक्सिमम यूजफुल वर्क, कहते हैं कि जो मैक्सिमम यूजफुल वर्क है जो हम ऑब्टेन करते हैं सिस्टम में से पूरे प्रोसेस में, कम इन टू द स्टेट, मतलब कि जो डेड स्टेट से जाने से पहले, मतलब कि डेड स्टेट में अगर कोई सिस्टम जाने से पहले पहले में आप कितनी मैक्सिमम वर्क उसमें से यूटिलाइज कर लेते हो उसको कहते हैं अवेलेबल एनर्जी। और डेड स्टेट क्या होता है, डेड स्टेट या सिस्टम इज डेड स्टेट फ्रॉम विच इज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग, वही कि उसकी जितने टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, वो क्या वो एक्सपेंशन ना करे, कुछ ना करे, बढ़े ना, तो वो सराउंडिंग के से इक्विलिब्रियम होती है, वो डेड स्टेट कहते हैं। अभी वो टाइप वन केस वन, हमें मैंने सो चार दो टाइप में करा है, केसेस हैं रिवर्सिबिलिटी का, बहुत अच्छा सही से बना के रखा है। तो टाइप वन कहते हैं अवेलेबल एनर्जी ऑफ सम हीट क्यू, ये तो कुछ हीट क्यू, अगर मेरे पास कुछ आज हीट है क्यू तो उसमें से केस मैंने क्या था कि अवेलेबल एनर्जी ऑफ हीट क्यू अवेलेबल फ्रॉम अ थर्मल एनर्जी रिजर्वर टेम्परेचरटी, कि अवेलेबल एनर्जी है मेरे पास हीट क्यू की थर्मल एनर्जी रिजर्वर, किसी एक थर्मल एनर्जी रिजर्वर में से हीट क्यू है उसको मैं लेने, अगर लेने हुआ तो क्या होगा। देखो अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक केस वन है कि अवेलेबल एनर्जी ऑफ हीट क्यू, जिसमें से कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक ऑल द एनर्जी सप्लाइड इज अ हीट इंजन इज अ पार्ट मस्ट बी रिजेक्टेड टू सम लोअर टेम्परेचर, मतलब क्या कि कोई भी अगर थर्मोडायनामिक सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक कहता है किसी भी थर्मल रिजर्वर हीट इंजन से अगर मैं हीट सप्लाई करता हूं तो उस हीट का कुछ पार्ट सिंक में जरूर जाएगा, वही कि हीट इंजन को कोई भी सप्लाई करता हूँ तो हीट इंजन में अगर कुछ भी हीट में सप्लाई करता हूँ तो उसका कुछ पार्ट लो टेम्परेचर सिंक में जाएगा जाएगा। और द अवेलेबल एनर्जी रिप्रेजेंट द पोर्शन ऑफ एनर्जी सप्लाई टू द हीट विच कन्वर्टेड टू द वर्क बाय द रिवर्सिबल हीट इंजन, कहते हैं कि अवेलेबल एनर्जी जो हमको क्या कहता है रिप्रेजेंट करता है कि एज अ हीट विच कैन बी कन्वर्टेड टू वर्क बाय रिवर्स। हाँ देखो अवेलेबल एनर्जी क्या होता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि कितना वर्क है हीट रिवर्सिबल हीट इंजन से हम वर्क में ऑब्टेन कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये एक रिवर्सिबल हीट इंजन है तो इसका क्यू अमाउंट ऑफ हीट को मैं अगर वर्क में रिप्रेजेंट वर्क में ट्रांसफर करता हूँ तो वो क्या अवेलेबल एनर्जी हो जाती है हमारी। तो अवेलेबल एनर्जी यही है कि मैं क्यू कितना क्यू अमाउंट ऑफ हीट को वर्क में ट्रांसफर कर दूँ, ठीक है। तो एक रिवर्सिबल हीट इंजन से तो उसको कहते हैं क्या अवेलेबल एनर्जी। और अनअवेलेबल एनर्जी क्या होता है, ठीक है, पोर्शन ऑफ एनर्जी दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू वर्क रिवर्स, मतलब कि वैसी ऐसी ऐसी एनर्जी जो यूटिलाइज ना हो सकती हो, ठीक है। तो अनअवेलेबल एनर्जी जैसे कि अगर हम इंजन में देखें तो गैसेस एग्जॉस्ट हो गया, एग्जॉस्ट का कुछ टेम्परेचर होता है बट वो भी एक किसी टेम्परेचर पर है, तो एग्जॉस्ट के किसी एक टेम्परेचर पर वो यूटिलाइजेशन नहीं होता उसका। अब क्यों यूटिलाइजेशन नहीं होता उसका, क्योंकि वो कुछ पोर्शन ऑफ हीट मस्ट बी रिजेक्टेड, जो वही है कि अनअवेलेबल एनर्जी होता है। तो अवेलेबल एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वर्क, मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वर्क क्या होता है, वर्क डन ऑफ अ रिवर्सिबल हीट इंजन, ठीक है। देखो वर्क डन जो होता है मैक्सिमम कब होगा, एक रिवर्सिबल हीट इंजन से ही होगा, एयर रिवर्सिबल हीट इंजन से नहीं होता, ठीक है। मैक्सिमम यूजफुल वर्क होता है रिवर्सिबल हीट इंजन से कितना ऑब्टेन होता है, देखो एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन 1 - T0/T0, ये टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग बाई टेम्परेचर, मतलब सिंक का टेम्परेचर बाई थर्मल रिजर्वर का टेम्परेचर। तो एफिशिएंसी रिवर्सिबल हीट इंजन की क्या होती है, वर्क डन रिवर्सिबल बाई हीट सप्लाई, है ना। ये हमें पता था कि रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी 1 - T0/T0 है, और रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी वर्क रिवर्सिबल बाई हीट सप्लाई, ठीक है। तो अब ये जो वर्क डन रिवर्सिबल होता है वो क्या है एक्चुअली में, तो क्या अवेलेबल एनर्जी है हीट इंजन से है, सब किसी भी एक टेम्परेचर टी से क्यू अमाउंट ऑफ हीट जल लेता है ना, तो वो वही तो है रिवर्सिबल एनर्जी, वो अवेलेबल एनर्जी तो वर्क डन है, रिवर्सिबल हीट इंजन के द्वारा काम किया गया वर्क ही अवेलेबल एनर्जी है। तो वो क्या होगा अवेलेबल एनर्जी बाई हीट सप्लाइड क्यू, क्यू हो रहा हीट सप्लाइड,
तो देखो यही एफिशिएंसी उसको यहाँ से उठा दो, तो 1 माइनस t0 बाई t। तो अब मैं यहाँ से अवेलेबल एनर्जी निकालता हूँ, तो क्यू हो जाएगा, क्यू के टर्म में 1 माइनस t0 बाई t, तो क्यू मल्टीप्लाई कर दिया टी नॉट और टी बाई टी, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब क्यू बाई टी क्या होता है, डेल्टा एस होता है सोर्स का, तो अवेलेबल एनर्जी होता है क्यू माइनस डेल्टा टी सोर्स बाई टी सोर्स। इसका मतलब ये कि अवेलेबल एनर्जी में से कुछ, अवेलेबल एनर्जी वही है कि क्यू अमाउंट ऑफ हीट में से, हमारा क्यू अमाउंट ऑफ हीट में से कुछ माइनस हो रहा है, और ये जो माइनस हो रहा है वो अनअवेलेबल एनर्जी है। तो अवेलेबल एनर्जी क्या है, तो अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ तो क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो हुआ वो अवेलेबल एनर्जी प्लस अनअवेलेबल एनर्जी है, तो अवेलेबल एनर्जी क्या हुआ, क्यू माइनस टी नो डेल्टा एस सोर्स। अब डेल्टा एस सोर्स जो एंट्रोपी ऑफ सोर्स है, तो अनअवेलेबल एनर्जी कितनी होगी, ये होगी टी नो डेल्टा एस सोर्स, ये है ना टी नो डेल्टा, एक सेकेंड, टी नो डेल्टा एस अनअवेलेबल एनर्जी क्या हो जाएगी, टी नो डेल्टा एस सोर्स, क्योंकि ये अवेलेबल एनर्जी से कुछ में क्या, अवेलेबल एनर्जी और अनअवेलेबल एनर्जी वो क्यू में ही है, टोटल एनर्जी क्यू में है। अब क्यू में है दोनों एनर्जी, तो अब दोनों एनर्जी जब क्यू में है तो उसमें से एक अवेलेबल होगी और एक अनअवेलेबल होगी। तो हमको पता चला कि टी नो डेल्टा एस क्या है, अनअवेलेबल एनर्जी, ठीक है। तो देखो अवेलेबल एनर्जी ये पता है क्यू माना टी नो डेल्टा, और ये क्या, क्यू क्या है, एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो टी नोट है एम्बियन टेम्परेचर और टी क्या है सिस्टम टेम्परेचर, जो मैंने बताया जैसे। तो अवेलेबल एनर्जी क्या है, ये फंक्शन ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है। तीन बातें इंपॉर्टेंट है कि अवेलेबल एनर्जी फंक्शन, अवेलेबल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो फिर अवेलेबल एनर्जी क्या, फंक्शन ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम, कि एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये एनर्जी ऑफ सिस्टम होता है। अवेलेबल एनर्जी तीन चीज़ का फंक्शन होता है, क्या कि एक है तो एनर्जी, एनर्जी है सिस्टम की, और दूसरा स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट ऑफ द सिस्टम, और दूसरा स्टेट ऑफ सराउंड। ये हमारा टी जो है ये क्या है, स्टेट ऑफ द सिस्टम, मतलब उस स्टेट टेम्परेचर सिस्टम जो हमारा वो कौन से स्टेट पर है, वो टी वन टेम्परेचर, टी टू टेम्परेचर या टी टेम्परेचर पर। तो इस सिस्टम का टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर और द एनर्जी ऑफ द सिस्टम तीन पर डिपेंडेंट करता है। कि अवेलेबल एनर्जी फंक्शन की याद करें ना कि एनर्जी सिस्टम जो स्टेट ऑफ द फंक्शन पर डिपेंड करता है, सराउंडिंग के और सिस्टम पे। तो हीट इंजन इन एस देखो होता है क्या, हीट इंजन इन द समर एन एग्जांपल है विद द डिफरेंट अवेलेबिलिटी टू द एम्बिएंट कंडीशन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि अगर एक हीट इंजन है, कोई भी एक हीट इंजन है, ये एक हीट इंजन है, तो उसमें विंटर में क्या होता है, विंटर में जो एनर्जी सप्लाई, देखो विंटर में जो टी नॉट है, विंटर में जो टी नो टेम्परेचर है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होता है, तो ये वैल्यू कम होगी तो अवेलेबल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। और ये समर में टी नो टेम्परेचर, समर में ये टी नो टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा जाता है, ये ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाए तो अवेलेबल एनर्जी समर में क्या कम हो जाती है। तो ये डिपेंडेंट करता है किस पर डिपेंड करता है, ये एम्बिएंट टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। हीट इंजन समर विंटर एग्जाम्पल है, डिफरेंट हो गया। तो अवेलेबल एनर्जी ऑफ द क्यू एट टेम्परेचर टी विद रिस्पेक्ट टू टी नॉट, तो अवेलेबल एनर्जी, तो अब ये इसको अगर एक लाइन में बोला जाए ध्यान से, तो अवेलेबल एनर्जी क्या है, क्यू की जो अवेलेबल एनर्जी है, क्या क्यू की, क्यू जो क्यू है अवेलेबल एनर्जी एट टेम्परेचर टी विद रिस्पेक्ट टू टी नॉट, विद रिस्पेक्ट टू टी नॉट एनर्जी क्यू वन माइनस टी नोट बाई टी, ठीक है, ठीक है। अरे टेम्परेचर टी, किसी भी एक टेम्परेचर टी पर, किसी भी एक टेम्परेचर टी विद रिस्पेक्ट टू टी नोट, ये ना ये फॉर्मूला बन गया। नाउ दिस इज सेम हैविंग टू द कार्नोट साइकिल। अब कार्नोट साइकिल में क्या होता है, कार्नोट साइकिल में अवेलेबल एनर्जी और अनअवेलेबल एनर्जी क्या चीज़ है। नाउ लाइक दिस इज द टी नोट एंड टी एस, तो अनअवेलेबल एनर्जी क्या है, ये 1 2 3 4 साइकिल टी टी नॉट हीट सप्लाइड क्यू नॉट, ये जो ये वर्क है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कार्नोट साइकिल। इससे फर्स्ट इज है आइसोथर्मल हीट एडिशन, 2 2 3 इज है एडियाबेटिक एक्सपेंशन, और 3 2 4 इज है एडियाबेटिक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हीट रिएक्शन, 3 2 4 4 2 1 इज एडियाबेटिक एक्सपेंशन, क्यू नॉट कितना हो गया नेट ऑक्सीजन बाय हीट सप्लाई अवेलेबल एनर्जी। तो ये नीचे वाला पोर्शन क्या है, अनअवेलेबल एनर्जी एरिया अंडर द 1 to 2 वर्क हीट सप्लाइड, 1 to 2 हीट सप्लाई एरिया अंडर 3 4 क्या वट इज 3 4 इज लाइक हीट सप्लाइड, 3 4 इज हीट रिजेक्शन। तो ये हीट रिजेक्शन क्या, अनअवेलेबल एनर्जी क्यू एस माइनस ये सप्लाइड माइनस रिजेक्शन, तो एरिया क्लोज बाई द कर्व इज नेट वर्क डन, और एरिया अवेलेबल एनर्जी हीट सप्लाइड क्या टी नॉट डेल्टा,
सप्लाई नीड क्या है, टी डेल्टा एस, और रिजेक्शन नीड क्या, टी नॉट डेल्टा एस। इनसे पता चल गया हमको, सप्लाई हीट टी टेम्परेचर पर और रिजेक्शन हीट टी नॉट टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर पर, दैट इज द अवेलेबल एनर्जी। अवेलेबल एनर्जी इज द टी डेल्टा एस माइनस टी नॉट डेल्टा एस। ठीक है, ये वाला टेम्परेचर में से नीचे वाला हीट रिजेक्शन माइनस कर दिया और डेल्टा एस कॉमन ले लिया, जो कि जो चेंज इन एंट्रोपी टी माइनस डेल्टा एस। अब टी माइनस डेल्टा, देखो टी डेल्टा एस था क्यू और टी नॉट डेल्टा एस, क्योंकि टी डेल्टा एस था क्यू था, तो क्यू क्या होता है हीट सप्लाई, यहाँ हमें पता है अवेलेबल एनर्जी क्यू, ये अवेलेबल एनर्जी क्यू माइनस टी डेल्टा एस। हम यहाँ पे देख लेना कुछ नहीं गया क्यू में से टी डेल्टा एस क्यू और टी नॉट डेल्टा, ये इसके अंडर एरिया अंडर इसके टी कॉरेस्पॉन्डिंग डेल्टा एस, टी नॉट के कॉरेस्पॉन्डिंग डेल्टा एस, मल्टीप्लीकेशन माइनस कर दिया। अब केस टू है अवेलेबल एनर्जी, ये तो केस वन था, अब केस टू क्या है, अब केस टू क्या है, केस टू है अवेलेबल एनर्जी क्यू, अवेलेबल एनर्जी ऑफ क्यू विच इज टेकन फ्रॉम अ फाइनाइट बॉडी। तो फाइनाइट बॉडी से अवेलेबल एनर्जी ऑफ क्यू विच इज टेकन फ्रॉम अ फाइनाइट बॉडी, विच इज टेकन फ्रॉम अ फाइनाइट बॉडी, पीछे ही देखो क्या था, अवेलेबल एनर्जी ऑफ सम हीट क्यू हो गए थर्मल एनर्जी रिजर्व। केस वन था कि द अवेलेबल एनर्जी ऑफ हीट क्यू, क्यू है हीट विच इज ऑब्टेन अवेलेबल फ्रॉम अ थर्मल एनर्जी रिजर्व, किसी टेम्परेचर टी से थर्मल एनर्जी रिजर्व करते, केस वन में था। अब सेकेंड केस क्या है, अवेलेबल एनर्जी ऑफ क्यू विच इज टेकन फ्रॉम अ फाइनाइट बॉडी, किसी एक फाइनाइट बॉडी से, अभी यहाँ पे थर्मल रिजर्वर नहीं है, फाइनाइट बॉडी से क्यू ले, तो लेट अस कंसीडर द रिवर्सिबल हीट इंजन रिसीविंग द हीट क्यू फ्रॉम द फाइनाइट बॉडी। तो लेट अस कंसीडर द फाइनाइट रिवर्सिबल हीट इंजन, एक अवेलेबल, इसमें क्या एग्जाम्पल दिखाता है, एग्जाम्पल दिखाता हूँ, फोटो बना कर देखो, ये रहा, ये लेटेस्ट कंसीडर, तो लेटेस्ट कंसीडर द रिवर्सिबल हीट इंजन रिसीविंग हीट फ्रॉम फाइनल बॉडी। तो ये फाइनल बॉडी, तो ये फाइनल बॉडी है, इस फाइनल बॉडी में से ये टी टी वन टेम्परेचर पे, ये सोर्स अभी ये सोर्स नहीं होगा, ये सोर्स अभी ये सोर्स नहीं है, फाइनल बॉडी पे रिवर्सिबल हीट इंजन से वर्क डन सम को डी की अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है, देखो फ्रॉम फाइनल बॉडी ड्यूरिंग द प्रोसेस टेम्परेचर ऑफ बॉडी चेंजेस फ्रॉम टी वन टू टी टू टी नॉट, टी वन टू टी टू कुछ भी पा सकते हैं, टेम्परेचर सिंक का टी नॉट है, ठीक है, और हमने बोला को लेट इसमें बीच में फाइनल टेम्परेचर टी टू होगा, तो लेट कंसीडर द रिवर्सिबल हीट इंजन रिसीविंग हीट फ्रॉम अ फाइनल बॉडी, सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस टेम्परेचर ऑफ बॉडी चेंज फ्रॉम टी वन टू टी टू, ये बीच के टेम्परेचर टी टू चला गया, फिर तो रिवर्सल हीट इंजन रिसीविंग इनफिनिट स्मॉल टू क्यू डी होने तक कुछ नहीं आया, पहले ना क्या डी की देखो क्यू अमाउंट ऑफ हीट रिसीव कर रहा था, अब मैं डी छोटा सा डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट इसमें से रिसीव कराऊंगा रिवर्सिबल हीट इंजन में, तो वर्क डन जो अवेलेबल जो क्या डी डी डब्ल्यू होगी, फिर तो टी वन इज नॉट कॉन्स्टेंट। यहाँ पर और पिछले वाले केस में यही फर्क था कि देखो यहाँ पर जो टी वन है ये चेंज हो रहा है धीरे धीरे, पीछे चेंज नहीं होता, अभी यहाँ चेंज हो रहा था, तो यहाँ इंटीग्रेशन होगा, तो वर्क डन जो होगा जो देन द वर्क डन बाय द हीट इंजन जो होगा डी, हीट इंजन जो होगा जो कि डी क्यू इन टू एफिशेंसी रिवर्सिबल होता है ना ये, अरे ये सिंपल है, ये कुछ नहीं है, ये यहाँ से आया एफिशेंसी जो रिवर्सिबल साइकिल क्या होती है, नेटवर्क बाई हीट सप्लाई डी क्यू, यही है नेटवर्क बाई हीट सप्लाई, तो क्यों भी क्या होता है एफिशेंसी रिवर्सिबल इन टू डी क्यू, अब डी क्यू और एफिशेंसी ऑफ रिवर्सिबल साइकिल की एफिशेंसी क्या होती है, वन वन टी नॉट बाई टी, टी नॉट बाई टी देखो टेम्परेचर टी वन है बट मैंने यहाँ टी लिखा है, क्यों लिखा है टी, क्योंकि अब क्योंकि ये वेरी कर रहा है, ये कांस्टेंट नहीं है, अब फाइनल बॉडी है, फाइनल बॉडी में से टेम्परेचर लूज कर रहे तो यहाँ पर टेम्परेचर टी आएगा, तो डी डब्ल्यू के लिए डी क्यू माना टी नॉट टी क्यू बाई टी मल्टीप्लाई कर दे, तो डी डब्ल्यू इज इंटीग्रेशन डी क्यू माना टी नॉट डी क्यू बाई टी, वर्क डन मैक्सिमम की वैल्यू देखो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू मैक्स और डी यू का इंटीग्रेशन क्यू माइनस टी नॉट डी क्यू बाई टी, अब इंटीग्रेशन टेम्परेचर इज नॉट कॉन्स्टेंट तो अंदर ही रहेगा, तो टेम्परेचर बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, तो अब देखो टेम्परेचर अगर बाहर नहीं जाएगा तो डी डी क्यू बाई टी, यहाँ पर सिर्फ ये कि अगर मेरे को पिछले केस में वर्क डन मैक्सिमम क्यू माइनस टी नॉट डेल्टा सोर्स था,
वर्क डन मैक्सिमम क्यू माइनस टी नॉट डेल्टा एस सोर्स था, ठीक है, वर्क डन क्या था, क्यू माइनस टी नॉट डेल्टा एस सोर्स। अब इसमें जो टी नॉट डेल्टा एस क्या था, अन अवेलेबल एनर्जी क्या था, अन अवेलेबल एनर्जी था, लेकिन टी नॉट डेल्टा एस अन अवेलेबल एनर्जी में डेल्टा एस जो है वो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सोर्स है, वो इंटीग्रेशन डेल्टा क्यू आई टी है, वो ठीक है, इंटीग्रेशन डेल्टा क्यू आई टी सिंपल फीचर क्यू आई टी था, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर वेरी करता है, फाइनल बॉडी में टेम्परेचर वेरी करने की वजह से बस डेल्टा जनरेशन चेंज आता है, डेल्टा सोर्स चेंज आता है। अब केस थर्ड, सो लॉस इन द अवेलेबल एनर्जी ड्यू टू द हीट ट्रांसफर बिटवीन द टू फाइनल बॉडी। अब कहते हैं केस थर्ड है कि लॉस इन द अवेलेबल एनर्जी, एक सेकंड, अब है कि लॉस इन द अवेलेबल एनर्जी, अब अवेलेबल एनर्जी में कितना लॉस हो रहा ड्यू टू द हीट ट्रांसफर बिटवीन द फाइनल टेम्परेचर डिफरेंस। अब मैं बोल रहा हूँ कि लॉस, देखो देखो अब इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल सन है कि सन में से, सन में क्या होता है, सन से हीट लेते हैं डायरेक्टली, सन से सोलर प्लेट कलेक्टर में हीट ऐसे होती है, फिर उसको वाटर गर्म होता है, फिर उस वाटर को यूटिलाइजेशन एनर्जी में होता है, कहीं पे भी होता है, डायरेक्टली हम सन की हीट को हीट इंजन में नहीं डाल सकते, हीट इंजन में नहीं डाल सकते। इसका रीज़न है, देखो अगर मैं बोलूँ ये बॉडी वन टेम्परेचर टी पे, ये क्या है, बॉडी वन टेम्परेचर टी मतलब सन हो गई, सन से मैंने हीट लिया, उसको सन से हीट लिया, उसको ऐसे समझ लो जो बॉडी है टी वन टेम्परेचर पर क्यों हीट सप्लाई है, सन में जो हीट है उस डायरेक्टली क्या इस हीट इंजन में यूज़ कर सकते हो, मतलब कि सन की इनको अपनी बाइक की इंजन में नहीं तो यूज़ कर सकते, क्योंकि सन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, इस क्यू वन हीट को क्यू हीट में चेंज किया, एक दूसरे बॉडी के टी टू टेम्परेचर पर चेंज कर दिया, सेम क्यू हीट को क्यू हीट में दूसरे बॉडी के, मतलब कि सन को मैंने सोलर प्लेट कलेक्टर पे गिराया, सोलर प्लेट कलेक्टर से बॉडी की टेम्परेचर कम हुआ, टेम्परेचर कम करने के बाद यूज़ किया, ठीक है, ऐसा किया। तो देखो अब लॉस इन अवेलेबल एनर्जी कितना हो, लॉस इन द अवेलेबल एनर्जी इंक्रीज इन द अन अवेलेबल एनर्जी, ये होता है लॉस होता है, देखो अवेलेबल एनर्जी क्या, इंक्रीज इन अन अवेलेबल एनर्जी। अब देखो ये बॉडी टी वन टेम्परेचर पे एम्बियंट टेम्परेचर टी नॉट से, मैंने एक क्या किया कि लॉस निकालने के लिए, ओरिजिनल तो ये था टी नॉट टेम्परेचर पे ओरिजिनल था, तो हीट इंजन रिवर्सिबल लगाया, इसमें क्यू टेम्परेचर पे हीट इंजन रिवर्सिबल लगाया, ठीक है, अवेलेबल एनर्जी, तो ये हीट इंजन रिवर्सिबल है, क्यू अमाउंट ऑफ हीट दे रहा है टी वन टेम्परेचर पे एम्बियंट पे दे रहा है, सिमिलरली क्यू अमाउंट ऑफ हीट एक बॉडी क्यू टू को दे रहा है टी टू टेम्परेचर पे, उससे एक हीट इंजन फिर वो रिसीव सिंक में कहाँ कर रहा है, वो कहाँ दे रहा है, एम्बियंट पे दे रहा है, ठीक है, ये एम्बियंट पे दे रहा है। तो अब देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखो लॉस इन द अवेलेबल एनर्जी इज ए वन माइनस ए टू, क्या ए वन माइनस ए टू, देखो ओरिजिनल हमारा क्या था, जो ओरिजिनली हमारा ये था ए वन, अवेलेबल एनर्जी उतनी है ना टी वन सन के टेम्परेचर से मान लिया, और ये क्या है ए टू अवेलेबल एनर्जी टू, क्या इन दोनों बॉडी के बीच में, ये बॉडी और एम्बियंट, इन दोनों के बीच में एम्बियंट है अवेलेबल एनर्जी टू, तो ये मैं माइनस करूँगा तो मैं लॉस हो जाएगा, कितना लॉस होगा एक्चुअली में, इस दोनों के बीच में अवेलेबल एनर्जी ए वन और इस दोनों के बीच में मतलब यही हीट इंजन से इसमें अवेलेबल एनर्जी टू है, ये टेम्परेचर ज़्यादा ही कम है टी वन ग्रेटर दैन टी टू, अवेलेबल एनर्जी क्या, अवेलेबल एनर्जी ऑफ क्यू एट टी वन विद रिस्पेक्ट टू टी नॉट, फर्स्ट की एनर्जी क्यू में वन माइनस टी नॉट टी वन टेम्परेचर, जो पता है हमको ज़्यादा थी पीछे दिखा था टी वन था, देख लेना अभी स्लाइड पीछे, अवेलेबल एनर्जी टू इज अवेलेबल एनर्जी ऑफ क्यू एट टी टू विद रिस्पेक्ट टू टी, तो अवेलेबल एनर्जी डिफरेंस ले लिया, ये था देखो दिखा देता हूँ, देखो अवेलेबल एनर्जी टू की टी टू टेम्परेचर पे क्यू अमाउंट ऑफ सेम क्यू अमाउंट ऑफ हीट और ये टी वन टेम्परेचर पे, तो अवेलेबल एनर्जी क्यू वन माइनस टी जीरो बाई टी वन विद रिस्पेक्ट टू टी इज वन माइनस टी जीरो बाई टी टू, ठीक है, डिफरेंस ले लिया, तो अवेलेबल एनर्जी चेंज इन क्यू माइनस सॉल्व है इसको क्यू क्यू कट गया माइनस और टी नॉट बाई टी और माइनस माइनस प्लस टी नॉट बाई टू, टी नॉट कॉमन ले लिया बाहर निकाला क्यू अंदर ले लिया क्यू बाई टी टू क्यू बाई टू, अब क्यू बाई टी टू और माइनस क्यू बाई टी टू ये क्या डेल्टा जनरेशन एस टू है, डेल्टा एस क्यू बाई टी टू और क्यू बाई टी वन, डेल्टा एस के लिए क्यू बाई टी वन क्या है
माइनस है डेल्टा की बाई टू, की वन बाई टू। तो हीट इज रिजेक्टिंग बाई द सिस्टम, निकल रही हीट नेगेटिव होगा, अब हीट इसमें आ रही है तो पॉजिटिव होगा, हीट इस बॉडी में आ रही है इसलिए Q2 बाई टू पॉजिटिव है, डेल्टा जनरेशन पॉजिटिव है। तो वहीं पे माइनस Q2 बाई की है, निकल रही हीट तो उसको पॉजिटिव लिया हमने, मतलब निकल रही है ना इसलिए नेगेटिव लिया। तो ये दो चीज़ का सम, अवेलेबल एनर्जी सम ऑफ द दोनों बॉडी का सम, तो डेल्टा अवेलेबल एनर्जी चेंज इन अवेलेबल एनर्जी टी नॉट डेल्टा, देखो डेल्टा एस टू डेल्टा एस वन, क्या अगर पीछे वाली दोनों बॉडी को एक में यूनिवर्स मान लूँ तो यूनिवर्स ही तो इरिवर्सिबिलिटी, क्या इरिवर्सिबिलिटी आई बोला कि टी नॉट डेल्टा एस यूनिवर्स, लॉस इन द अवेलेबल एनर्जी, तो लॉस इन द अवेलेबल एनर्जी क्या होता है इरिवर्सिबिलिटी होता है, ठीक है। लॉस इन अवेलेबल एनर्जी याद रख लो इरिवर्सिबिलिटी टी नॉट डेल्टा एस यूनिवर्स, डेल्टा एस यूनिवर्स क्या सम ऑफ द, अगर तीन बॉडी होती थी डेल्टा एस वन, डेल्टा एस टू डेल्टा एस थ्री डेल्टा एस चार होती थी डेल्टा एस हो रहा था, ठीक है। अब देखो अगर हम इसको इस चीज़ से समझना चाहें ग्राफ से, तो ग्राफ से कैसे समझ, देखो एक टेम्परेचर टी टी एस डाइग्राम है, तो टी एस डाइग्राम में क्या देखो पहले क्या वन टू टू, ये देखो पहले था वन टू टी वन टेम्परेचर और ये टी नॉट, पहला सन मान लो टी वन टेम्परेचर में था तो उसकी जो एनर्जी है उसमें उसके अंदर एनर्जी है वो कितना है, इसके अंदर एनर्जी कितनी इतनी है वन टू टू, वन टू टू हीट सप्लाइड और थ्री टू फोर पे रिजेक्शन कर रहे, तो इसमें एनर्जी कितनी है जो ब्लू से ना वाला एनर्जी बना है। और देखो अब टी टू टेम्परेचर कम टेम्परेचर पर ले आए हम, तो कम टेम्परेचर पर ये वाला फोर्स हीट तो सेम है, तो हीट सेम है तो वर्कडन सेम होगा, तो नेट वर्कडन, तो इस वाली जो छोटा वाला वर्कडन है इसको कंपनसेट करने के लिए थोड़ा सा आगे जाएगा ये, तो देखो ये ऐसा आगे जाएगा। तो पहले अनअवेलेबल एनर्जी इतनी थी लेकिन जैसे ही आगे बढ़ गया तो ये बढ़ गया, तो ये जो है वो इंक्रीज इन द अनअवेलेबल एनर्जी है, दिस इज द इंक्रीज इन द अनअवेलेबल एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट पेज दिखाता हूँ एक सेकेंड। सो हम कहते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पता चलता है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्यू अवेलेबल एट टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, देखो पीछे कहता है क्या कि क्यू होता है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स कहती है क्वांटिटेटिव लॉ होता है, लेकिन सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स कहती है क्वालिटेटिव लॉ होता है, कैसे, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखो हमारे पास दो हीट है, दो टेम्परेचर है Q1 Q2, तो देखो एक लोअर टेम्परेचर पे एक हाई टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। तो लोअर टेम्परेचर वाला कहता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि दोनों के पास सेम थर्मल एनर्जी है, ठीक है, लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि अगर वो ज़्यादा टेम्परेचर हायर टेम्परेचर पर T1 है सेम अमाउंट की और लोअर टेम्परेचर पर T2 है, तो T1 हैविंग द हायर ग्रेड एनर्जी, मैं ये भी कहती है, तो ये क्वालिटेटिव लॉ होता है क्वालिटेटिव, और Q1 क्या और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटेटिव लॉ। अब देखो टाइप टू, टाइप वन कहता हूँ, और टाइप टू अवेलेबल एनर्जी अवेलेबिलिटी एक्सर्जी फॉर द क्लोज सिस्टम। अब हम क्लोज सिस्टम के लिए करते हैं, फिर इसका ओपन सिस्टम ही आएगा। तो अवेलेबल एनर्जी हम किसके लिए क्लोज सिस्टम के लिए निकाले, तो क्लोज सिस्टम के लिए अवेलेबल एनर्जी निकालने का तरीका देखो क्या होता है, लेट अस कंसीडर द क्लोज सिस्टम एट एलिवेटेड स्टेट हैविंग प्रॉपर्टी PTVSU1। एलिवेटेड स्टेट पर टेम्परेचर उसका कितना होगा P1 T1 U1, उसकी किस उसकी कुछ भी स्टेट की प्रॉपर्टीज होगी, कोई भी स्टेट की प्रॉपर्टी, ठीक है। मैक्सिमम देखो तो अवेलेबल एनर्जी फॉर द क्लोज सिस्टम इज मैक्सिमम वर्क डन इन द प्रॉपर्टीज सराउंडिंग अप टू दैट, यही बताई गई मैंने कि अवेलेबल एनर्जी क्या क्लोज सिस्टम की मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क कितना ऑब्टेन कर सकते हैं सिस्टम में से, ठीक है, उसको डेड स्टेट से जाने से पहले पहले, वही बात लिखी हुई यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं P1 T1 तक कोई एलिवेटेड स्टेट पर एक बॉडी है तो वर्क मैक्सिमम A1, अब इसने क्यू अमाउंट ऑफ हीट सराउंडिंग से लिया, ठीक है, और कुछ वर्क मैक्सिमम दिया और डेड स्टेट पर चला गया, तो वर्क मैक्सिमम A1 है, ठीक है, डेड स्टेट पर जाने से पहले अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ था डेल्टा की डी फॉर DW पता है हमको। क्लोज सिस्टम के लिए देख रहे हैं कि कितना अवेलेबिलिटी अवेलेबल एनर्जी एक्सर्जी है उसके पास, तो फर्स्ट लॉ थोड़ा से डी क्यू इक्वल डी फॉर DW, तो देखो क्यू क्या होता है U0 - U1 - W डेल्टा क्यू, इसने क्या हीट सप्लाइड टू द सिस्टम हीट सप्लाइड पॉजिटिव हो गया, तो क्यू पॉजिटिव G0 फाइनल माइनस इनिशियल हो गया, पहले क्या थी U0, अब क्या U, तो फाइनल होगी जीरो, देखो डेड स्टेट फाइनल मिला U0, इनिशियल क्या था U1 प्लस नेटवर्क W दिया है। तो मैं बोलता हूँ फॉर द प्रोसेस टू वर्क, अगर इस प्रोसेस को होना है तो हमें पता है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी में साथ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रिवर्सिबल ग्रेटर देन जीरो फॉर द इरिवर्सिबल प्रोसेस, अगर इस प्रोसेस को होना है
तो मस्ट एंट्रोपी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एंट्रोपी यूनिवर्स की डेल्टा सिस्टम प्लस सराउंडिंग मस्ट बी ग्रेटर देन एंट्रोपी यूनिवर्स की, तो यही होती है सिस्टम प्लस सराउंडिंग ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या होती है, एस जीरो माइनस एस वन। देखो सिस्टम प्लस सराउंडिंग, यूनिवर्स की बोला सिस्टम, तो सिस्टम की एंट्रोपी और सराउंडिंग की एंट्रोपी, जो सराउंडिंग की एंट्रोपी क्या हो जाएगी, हीट सप्लाइड की बाई टेम्परेचर टी नॉट, की बाई टी होता है। तो अब हीट क्या रिजेक्ट हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, इसलिए इसलिए हमने बोला क्या कि क्यों रिजेक्ट हो रहा है। देखो इस बॉडी के लिए हमें हीट आ रही है, अब ऐसे सराउंडिंग से जो बॉडी जा हीट जा रही है ना, इसलिए हमने नेगेटिव लिया। अब सिस्टम की एंट्रोपी क्या है, पहले स्टेट आउट, फाइनल स्टेट आउट, डेड स्टेट एस जीरो, मतलब डेड जीरो कुछ नहीं है, तो एस जीरो फाइनल हो गया, इनिशियल एस वन। तो चेंज इन एंट्रोपी सिस्टम की जीरो माइनस एस वन प्लस माइनस की बाई टू सराउंडिंग की, क्योंकि सराउंडिंग से हीट जा रही है इतनी, जा रही है ना, तो एस जीरो माइनस एस वन ग्रेटर देन, ये सिस्टम प्लस सराउंडिंग ग्रेटर देन इक्वल टू, तो क्यू की वैल्यू टी नॉट एस टू माइनस एस वन हो गया। तो अब क्यू की वैल्यू को उठा के मैंने यहाँ पर रख दिया, तो यहाँ पर रखने का ये ऐसे आ गया और ये वाली यहाँ रख दी, तो मैक्सिमम वर्क कितना गया, टी नॉट एस जीरो माइनस एस माइनस यू नॉट वी वन, ठीक है ये हो गया मैक्सिमम वर्क हो गया इतना। तो क्लोज सिस्टम के लिए देख रहे हैं, अब देखो अब पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में क्या कहता है, क्या देखो वर्क डन मैक्सिमम यू वन माइनस, देखो उधर सिंपल है कुछ नहीं, ये कुछ नहीं किया, इसको हमने रीअरेंज करा है, माइनस टी नॉट एस वन यू वन के साथ ले और माइनस यू नॉट टी नॉट उधर ले गया, ठीक है। तो ये जो वर्क है यही तो मैक्सिमम यूजफुल वर्क है, एक्सपेक्टेड सिस्टम से एक्सपेक्ट किया जाए, तो डिफरेंस बिटवीन यूज में देखो अब क्या कहते हैं कि मान लो पिस्टन सिलेंडर बाहर पी नॉट एटमोसफेरिक प्रेशर पी नॉट और वी नॉट इज द वॉल्यूम, तो ये अगर मान लो यहाँ से एक्सपेंशन हो रहा है पीछे जा रहा है, तो इस पे एटमोसफेरिक में तो कुछ वर्क कर रही होगी रोकने से, तो वो क्या होगा पी नॉट यूजफुल वर्क क्या होगा, मैक्सिमम वर्क जो मैंने निकाला इसमें से पी नॉट वी नॉट पी नॉट इनिशियल माइनस वी वन पी नॉट वी माइनस वी वन, अभी टेम्परेचर V1 था, अब फाइनल डेड स्टेट में जाके टेम्परेचर V0 हो गया, डेड स्टेट का मैंने V0 फाइनल माना है V1, तो V0 माइनस वन ये एटमोसफेरिक वर्क डन है, तो ये एटमोसफेरिक वर्क डन माइनस कर दिया, तो ये तो पहले से था वर्क मैक्सिमम वर्क माइनस एटमोसफेरिक वर्क डन, तो एटमोसफेरिक वर्क डन माइनस करते टाइम ही हमारा यूजफुल वर्क आ गया, यूजफुल वर्क आ गया तो ये ऐसे फॉर्म में आ गया, यू नॉट पी नॉट वी वन माइनस टी नॉट एस, यू नॉट पी नॉट वी वन माइनस पी एक को इधर लिया एक को इधर लिया, ठीक है। तो अब देखो ये चीज़ और ये चीज़, ये मैं इसको अवेबिलिटी फंक्शन है, ये इस स्टेट पे पिछले वाले स्टेट पे, तो ये जो यू प्लस पी नॉट वी माइनस टी नॉट एस है, ये दोनों सेम है, फर्स्ट स्टेट के लिए सेकंड डेड स्टेट के लिए, डेड स्टेट मतलब फाइनल स्टेट, अवेबिलिटी फंक्शन सॉरी अवेलेबल एनर्जी का फंक्शन फाइव वन माइनस फाइव टू हो गया। अब देखो कैसे होता है, देखो ये जो पहला सिस्टम बनता, अगर मैं बोलूँ कि अवेलेबिलिटी फंक्शन मैं इस स्टेट पे निकालूँ और फाइनल स्टेट पे निकालूँ और उसका डिफरेंस ले लूँ, तो क्या होगा, वो मैक्सिमम यूजफुल वर्क आ जाएगा, तो मैक्सिमम यूजफुल वर्क कितना आ जाएगा, फाइव वन माइनस फाइव टू, फाइव वन क्या यू प्लस पी नॉट वी माइनस टी नॉट ले। अब क्लोज सिस्टम के लिए ठीक है, नहीं तो ये बताइए कि स्टेट वन से स्टेट टू में जा रही है क्लोज सिस्टम के लिए बॉडी, तो मैक्सिमम यूजफुल वर्क इस स्टेट पर मैं फाइव वन की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ और इस स्टेट फाइव टू वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ, तो अगर डिफरेंस देखिए मैक्सिमम यूजफुल वर्क आ जाएगा, तो फ्लो अवेलेबिलिटी, अब देखो अब फ्लो अवेबिलिटी अवेबिलिटी फंक्शन फॉर द ओपन सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम, फ्लो अवेबिलिटी अब मैं ना ओपन सिस्टम के लिए निकाल रहा हूँ कि मैक्सिमम यूजफुल वर्क कितना होगा ओपन सिस्टम के लिए। ओपन सिस्टम के लिए क्या होता है, किसी कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर देखना होता है कि कितना मैक्सिमम वर्क यूजफुल है उसमें अंदर, तो इट इज़ द मैक्सिमम वर्क लेट की एक्सपेक्टेड फ्रॉम सिस्टम प्रोसेस कंट्रोल वॉल्यूम। वही बात है कि मैक्सिमम वर्क कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके डेड स्टेट से जाने से पहले, कि ये कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर, अभी क्लोज सिस्टम नहीं है कंट्रोल वॉल्यूम है, तो कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर कितना मैक्सिमम यूजफुल वर्क आप निकाल सकते हो ये हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमें इसमें फर्स्ट स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगानी पड़ेगी। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्यों लगानी पड़ेगी, क्योंकि देखो ये क्या है, ये कंट्रोल वॉल्यूम है, इस कंट्रोल वॉल्यूम में ये स्टेट वन है, इसका स्टेट का पी वन प्रेशर वन वॉल्यूम वन इंटरनल एनर्जी स्पेसिफिक वॉल्यूम एंथैल्पी वेलोसिटी एंड एंट्रोपी वन आउट सेम हियर दैट वी हैविंग द एंड आउट। अगर मैंने सेम टू को डेड स्टेट में डी जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ नहीं होता, इसलिए डेड स्टेट एटमोसफेरिक टेम्परेचर एंथैल्पी एंट्रोपी तो सब जीरो। मैंने बोला कि इस स्टेट पर अगर डेटा में लाएँ तो स्टेट पर काइनेटिक एनर्जी डेटा में, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी अगर कुछ होगी, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ की तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, यहाँ पर डेटम से माना, तो ऐसे भी लगाई दोनों स्टेट के बीच में एच वन प्लस वी वन स्क्वायर बाय टू प्लस जी जेड वन प्लस क्यू स्टेट पे ई जो बराबर होगी एच टू प्लस जी टू जेड टू प्लस वी टू स्क्वायर बाय टू। डेड स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी और काइनेटिक एनर्जी भी तो जीरो होगी, क्योंकि डेड स्टेट उसमें कोई वर्क यूटिलाइज नहीं सकता, वर्क यूटिलाइज नहीं सकता, तो मतलब इसका वेलोसिटी जीरो होगी,
प्लस वर्क डन कंट्रोल वॉल्यूम, तो एच वन प्लस जी जेड वन प्लस क्यू इसको एच टू प्लस वर्क डन कंट्रोल वॉल्यूम, इसको दोनों डिप जीरो हो गया, तो ये मस्त है। तो अब क्यू की वैल्यू जो हो गई, इसको सब इधर ले आए हम, तो क्यू की वैल्यू क्या है, एच नॉट एच जीरो माइनस देखो एच, देखो क्या हुआ है कि हमें क्या निकालना है क्यू, ठीक ये निकालना है। तो इस तीनों टर्म को इस साइड ले, एच टू माइनस एच वन माइनस अब वी वन स्क्वायर माइनस जी जेड वन प्लस वर्क डन कंट्रोल वॉल्यूम, अब क्यू की वैल्यू क्या ही आई है, ठीक है। तो एच टू क्या है हमारा, एच जीरो है, एच टू को हमने एच जीरो माना है, एच टू एच जीरो, एच वन क्या है एच वन ये रहा। अब वर्क डन कंट्रोल वॉल्यूम इधर लिया और माइनस को कॉमन लेके माइनस वीजन इधर आ गया पॉजिटिव में। अब कहते हैं इस प्रोसेस को होने के लिए, जैसे हमने क्लोज सिस्टम में देखा था कि हमने पहले क्यू निकाला था और क्यू को होने के लिए हम बोला था कि यूनिवर्स की एंट्रोपी में सब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी और वहाँ पर एंट्रोपी यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या सिस्टम प्लस सराउंडिंग, लेकिन यहाँ पर एंट्रोपी जनरेशन कैसे कर सकते, हीट सप्लाई मास ट्रांसफर और द एंट्रोपी जनरेशन ड्यू टू इंटरनल प्रोसेस, ठीक है। तीन प्रोसेस में बताई थी कि एंट्रोपी जनरेशन किसी भी बॉडी में किस किस कारण होती है, हीट ट्रांसफर, हीट अगर हमने हीट सप्लाई कर दी उसके वजह से होता है, और एंट्रोपी ड्यू टू जनरेशन होती है अगर रिवर्सल प्रोसेस होता है, और रिवर्सल प्रोसेस होगा ही अगर वो होता तो जनरेशन होगा, और मास ट्रांसफर ड्यू टू द मास ट्रांसफर होता है। तो यूनिवर्स की एंट्रोपी ही डेल्टा जनरेशन होता है किसके केस में, अगर हीट सप्लाई वहाँ पे जीरो होता है तो, ठीक है। तो अब देखो फॉर द स्टडी स्टेट, ये स्टडी स्टेट का प्रोसेस है, तो कंट्रोल वॉल्यूम स्टडी स्टेट में या विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सब टाइम जीरो हो गया तो डी एस बाई डी टी कंट्रोल वॉल्यूम जीरो हो गया क्योंकि स्टडी स्टेट है, ठीक है। अब देखो एम्बियंट टेम्परेचर में से हीट ले रहा है क्यू, ये तो यूनिवर्स की एंट्रोपी डेल्टा जनरेशन, तो डेल्टा जनरेशन इज इक्वल टू माइनस क्यू आई टू, ये निकाल ली मैंने, ये इस सब में से मैंने डेल्टा जनरेशन क्यों निकाली है, तो डेल्टा क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है, लेकिन क्या कहते हैं यूनिवर्स की एंट्रोपी वो क्या कहते हैं वो होती है डेल्टा क्यू बाई टी प्लस डेल्टा जनरेशन जो होती है, इसमें डेल्टा क्यू बाई टी देखो ये ओपन सिस्टम में क्या होता है चेंज इन डेल्टा क्यू रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो इसमें सिर्फ डेल्टा जनरेशन हो जाएगा, डेल्टा क्यू बाई टी प्लस मास जनरेशन, देखो एंट्रोपी एग्जिट की एंट्रोपी एस जीरो माइनस एस वन, मास पर यूनिट फ्लो तो वन ले लिया मैंने अज्यूम करके, तो क्यू बाई टी डेल्टा क्यू बाई टी डेल्टा क्यू बाई टी यहाँ पे क्यू हीट सप्लाई क्यू टू सप्लाई टू द सिस्टम, क्यू पॉजिटिव और नेगेटिव द नेगेटिव था ही पहले हीट सप्लाई टू द सिस्टम, तो डेल्टा ऑफ यूनिवर्स की हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है, तो टी नॉट एस जीरो माइनस एस वन ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, टी नॉट डेल्टा एस ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू पता है फॉर्मूला से बताया, तो क्यू की वैल्यू लेस देन टी नॉट एस जीरो माइनस एस वन, तो इस क्यू की वैल्यू उठा के यहाँ रख दिया और उसे कंपेयर कर दिया, जब इस क्यू की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दिया मैंने, और कंपेयर करने के बारे में आई तो कंट्रोल वर्क डन कंट्रोल वॉल्यूम निकालना है मेरे को एक्चुअली में, तो वर्क डन कंट्रोल वॉल्यूम ये बाकी सबको अरेंज कर दिया इक्वल टू लेस देन, तो वर्क डन कंट्रोल वॉल्यूम ये हो गया। तो मैक्सिमम यूजफुल वर्क क्या होगा, जब अगर मैं इसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को नेग्लेक्ट कर लूँ, तो काइनेटिक वेलोसिटी जी जेड वन कॉमन चला गया, तो एच नॉट हमारा टी नॉट एस वन एच नॉट प्लस टी नॉट एस जीरो, ये तो अब तो एच में तो ये दोनों सेम चीज़ें हैं, तो वर्क डन क्या हो गया ये, इसको कहते हैं अवेलेबिलिटी फंक्शन, अगर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो ये हो जाते हैं क्या है एच माइनस टी नॉट एस, ऐसे एंट्रोपी टी नॉट एम्बियंट टेम्परेचर और ऐसी एंथैल्पी एट दैट स्टेट, एंथैल्पी एट दैट स्टेट अवेलेबल एनर्जी ही, तो वर्क डन मैक्सिमम एनर्जी होता है, काइनेटिक और पोटेंशियल नेग्लेक्ट या नेग्लेक्ट हो जाते, अगर नॉन नेग्लेक्ट करें तो अवेलेबिलिटी फंक्शन उस स्टेट इस स्टेट में और इस स्टेट में अगर निकाल के दोनों स्टेट पर अलग अलग निकाल कर डिफरेंस ले लो तो वो मैक्सिमम यूजफुल वर्क आ जाता है, तो मे वर्क ऑब्टेन विद एफ वन माइनस एफ टू, देखो तो ये अवेलेबिलिटी फंक्शन बनी और काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी नॉट अवेलेबल, एच वेलोसिटी जी पोटेंशियल हाइट कितना और टी नॉट एस, ठीक है ये था हमारा क्वेश्चन। अगर अब क्वेश्चन है न्यूमेरिकल से, न्यूमेरिकल देखो एंट्रोपी या न्यूमेरिकल है, एंट्रोपी या न्यूमेरिकल, एंट्रोपी या न्यूमेरिकल देख लेते, देखो कहते हैं कि एक आयरन क्यूब टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस, एक आयरन क्यूब है, आयरन क्यूब है 400 डिग्री सेल्सियस पे ड्रॉप्ड इनटू द इंसुलेटेड बोथ कंटेनिंग द 10 केजी ऑफ वाटर एंड वेपर, ड्रॉप किया हमने इसको किस में 25 डिग्री सेल्सियस वाटर में, ड्रॉप किया 25 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप किया हमने किस में 25 डिग्री सेल्सियस वाटर में, ये वाटर में डेवलप हुई ड्रॉप की 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और टी टू टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री सेल्सियस है, मतलब कि बॉडी का टेम्परेचर टी वन है इसमें कि 10 किलो का मास है, टेम्परेचर टी वन 25 और कुछ समय बाद टी टू टेम्परेचर 50 हो जाता है जब इसको इसमें डिवाइड करते हैं,
तो स्पेसिफिक हीट वाटर की यदि 4.1 की क्लोजर तो पूछता है कि आयरन का टेम्परेचर कितना है, फाइंड द एंट्रोपी चेंज इन आयरन गिवन द वाटर इन द प्रोसेस प्रोसेस। अगर ये रिवर्सल प्रोसेस तो कितना एंट्रोपी चेंज हो रहा है वाटर का, आयरन और क्यूब का और वाटर का। तो देखो जितना हीट सप्लाइड बाई दिस इक्वल टू हीट सब गेंड बाई दिस, तो हीट लॉस बाई दिस इक्वल टू गेंड बाई दिस, एम जी एल निकल गया मास इंटू ये। और 50 में 50 टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर कितना 50 हो गया, और इनिशियल टेम्परेचर कितना 25। हीट गेंड, हीट गेंद नेगेटिव होता है इसलिए फाइनल माइनस इनिशियल उल्टा हो गया, और ये 400 माइनस इनिशियल माइनस फाइनल इधर आ गया नेगेटिव। हीट लॉस्ट बाई सिस्टम इसलिए ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल इनिशियल माइनस फाइनल ये नेगेटिव को कम्पेंसेट कर दिया। एम सी यू एल निकाल लिया हमने आइस के लिए, आयरन क्यूब के लिए, और डी एस होता है चेंज इन एंट्रोपी होता है डेल्टा क्यू आई टी, ठीक है क्या होता है डेल्टा क्यू आई टी, तो वाटर के लिए एंट्रोपी होगा और आइस के लिए अलग अलग निकाल लिया मैंने। वाटर की एंट्रोपी एम सी डेल्टा टी बाई टी है, देखो यहाँ पे एम सी क्यू एन टी एच नहीं गया, तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं है, डायरेक्टली 50 नहीं हो गया वो, ठीक है वो धीरे धीरे 50 हुआ है, तो एम सी एल एन लॉगरिथमिक ग्राफ बनेगा, तो इसलिए टी टू बाई टी वन एम सी इन टी एच एन हमें डेल्टा क्यू आई, केस टू का प्रॉब्लम था फाइनल बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा था, एन सी एल एन टू 10 चापो एल एन टेम्परेचर वैल्यू रख दी सिंपल सी, एंट्रोपी ये आई है हीट चेंज इन एंट्रोपी। वाट आयरन की देखो निकाल दिया एम सी, आयरन की भी क्या चेंज हो रही है, डायरेक्टली कम नहीं हुई है टेम्परेचर, टी टू पे नहीं आ गया, इसलिए 50 प्लस 4 से इनिशियल टेम्परेचर आई है, ठीक है यहाँ पर टेम्परेचर ना चेंज हो रहा है। अब यूनिवर्स की एंट्रोपी निकालने का बोला है तुमको, तो यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या होती है, वाटर प्लस डेल्टा आयरन दोनों को ऐड कर देंगे, अब वो क्या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगी, दोनों को ऐड कर दिया वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया, यही था बस। देखो अगला क्या है, कंसीडर द टू प्रोसेस, हमारी गल है कि कंसीडर दो प्रोसेस के अंदर, पहला प्रोसेस क्या, प्रोसेस कहते हैं हीट सोर्स सिंक है, तो 800 केल्विन टेम्परेचर पे जा रहा है सोर्स से सिंक है, 2500 के किलो जूल ऑफ हीट लॉस हो गया, दूसरा 800 केल्विन 2500 किलो जूल ऑफ हीट निकाल के जा रहा है 500 केल्विन से, तो बताने के लिए कौन सा प्रोसेस वन इज मोर रिवर्सल प्रोसेस, टू ज़्यादा रिवर्सल है या फिर रिवर्सल, वो तो प्रोसेस इक्वल है और वो तो प्रोसेस है रिवर्सल, तो कहते हैं रिजल्ट तो दोनों के ना यूनिवर्स के एंट्रोपी निकाल देते हैं रिजल्ट ऑफ यूनिवर्स की, क्योंकि एस वन ऑफ दिस प्लस एस टू ऑफ दिस डेल्टा एस ऑफ दिस में डेल्टा एस टू, ठीक है तो दोनों की हमने एंट्रोपी चेंज निकाल लिया, तो एंट्रोपी चेंज पहले पहले की निकालूंगा, तो 2500 बाई 1200 का टेम्परेचर हीट लॉस हो रहा है, इसमें से हीट लॉस बाई सिस्टम से नेगेटिव हो गया और इसमें हीट गेंड बाई सिस्टम 2500 पॉजिटिव में आ गया और टेम्परेचर 800 हो गया, तो सिमिलरली इसका भी क्या 2000 निकल रहा है, 800 का टेम्परेचर निकल रहा है नेगेटिव हो गया था ना पॉजिटिव अंदर आ गया, तो 2000 इसमें आ रहा है, इसमें तो 2500 बाई 200 सॉल्व किया, तो क्या पता चला कि इसकी ज़्यादा ये तो एंट्रोपी चेंज ज़्यादा ये तो इसके ज़्यादा रिवर्स हो जिसकी भी जितनी ज़्यादा एंट्रोपी चेंज होती है उतना रिवर्स होता है प्रोसेस टू इज मोर रिवर्स देन प्रोसेस टू। सिंपल था क्वेश्चन। अब कैलकुलेटिंग द एंट्रोपी चेंज ऑफ द मेटल ब्लॉक, अब अगला क्वेश्चन कहते हैं कि कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ मेटल ब्लॉक ऑफ 600 ग्राम एंड द स्पेसिफिक हीट उत्पन्न मैनिपुलेशन लाइक। देखो अब क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाव क्वेश्चन है, क्यों घुमाव क्वेश्चन है, क्योंकि क्या हुआ हमने एक लेक में 600 ग्राम के मास ऑफ को हमने डुबा दिया, तो उसमें क्या होगा मास 600 ग्राम है टेम्परेचर इतना है, इनिशियल टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस फाइनल टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस, अब सिंक में गिराएगा तो उसका टेम्परेचर बिहेव नहीं, सिंक क्या करेगा थर्मल एनर्जी डिजॉल्व की तरह बिहेव करेगा, हीट लॉस बाय द मेटल ब्लॉक इज हीट गेन बाय द वाटर, तो वाटर ने कितना हीट गेन किया जितना हीट लॉस किया ब्लॉक ने, हीट ब्लॉक ने इतना किया एम सी डेल्टा टी एम सी मास इंटू सी डेल्टा टी क्या सम टी इनिशियल टेम्परेचर सो था फाइनल टेम्परेचर वाटर के टेम्परेचर आ गया ये आ गया, तो डेल्टा जो चेंज इन एंट्रोपी मेटल ब्लॉक पर चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द लिक डेल्टा एस यूनिवर्स के लिए क्या होगा चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द मेटल ब्लॉक पर चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द वाटर, मेटल की एंट्रोपी चेंज डेल्टा क्यू टी एम सी को चेंज यहाँ पर किया मेटल का, मेटल के लिए क्या हो रहा है धीरे धीरे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, धीरे धीरे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, धीरे धीरे टेम्परेचर लॉग लेना पड़ेगा एम सी एल एन टेम्परेचर नहीं होता है एम सी एल एन टी टू टी 0.6 एम सी एल निकाली थी हमने और ये यहाँ रख दिया, अब देखो लेकिन वाटर के लिए देखो डेल्टा क्यू आई टी वाटर के लिए क्यू आई टी हो जाएगा, देखा वाटर के लिए क्यू आई टी 138 ही है क्योंकि वो सिंक की तरह काम कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा था ठीक है, इतना हो गया तो वाटर एंट्रोपी ऐड कर दी नेगेटिव आ गई, ठीक है तो अवेलेबल एनर्जी अभी वीडियो देखते हैं, थैंक्स बाय।